वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज हम शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के लिए इंग्लिश का एक मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। ये एक मॉडल पेपर है जिसे पीएनपी ने जो मॉडल पेपर जारी किया था उसी के बेस पर डिजाइन किया गया है। आप इसे जरूर सॉल्व करें, आपको यहाँ से जरूर मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वर्ड इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर एम्पल। आपसे पूछा गया है कि एम्पल का एंटोनिम क्या होता है। एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड। आपको एम्पल का अपोजिट वर्ड बताना है। अब आपको पता होना चाहिए कि एम्पल का मतलब क्या होता है। एम्पल का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में, यानी कि अधिकता में। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, लिटिल। लिटिल का मतलब क्या होता है, कम। एम्पल का मतलब अधिक, लिटिल का मतलब कम। तो एम्पल का अपोजिट क्या हो गया, लिटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग फ्रेज, वन हु कलेक्ट कॉइन इज कॉल्ड। आपसे पूछा गया है जो सिक्कों को कलेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं। जैसे हिंदी में होते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द, उसी तरह से इसमें आपको बताना है वन हु कलेक्ट कॉइन्स इज कॉल्ड, मानी कि जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं। उसके लिए यूज किया जाता है वर्ड न्यूमिसमेटिस्ट। क्या है, न्यूमिसमेटिस्ट, NUMISMATIST। ये बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसे मॉडल पेपर में रखा है। तो आप याद कर लें कि जो कॉइन को कलेक्ट करता है उसे बोलते हैं न्यूमिसमेटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर वैरन। आपसे पूछा गया है कि वैरन का सिनोनिम क्या होता है, यानी कि वैरन का समान अर्थ का शब्द आपको बताना है। अब आपको बता तो आप तब पाएंगे जब आपको बैरन का मतलब पता होगा। बैरन का मतलब होता है ऊसर, यानी कि ऐसी भूमि जहां पे कुछ पैदा नहीं होता, यानी कि कोई उपज नहीं होती। आप भूमि के लिए नहीं, बैरन का मतलब होता है जहां कोई जो कुछ पैदा नहीं होता, जहां पे कुछ भी पैदा नहीं होता, यानी कि जो कुछ कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होता उसे हम बोलते हैं बैरन। तो बैरन का अब सिनोनिम क्या हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव, क्यों, यानी कि कुछ भी पैदा नहीं होता, यानी कि ऊसर भूमि। तो बैरन का सिनोनिम क्या हो गया, अनप्रोडक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम्स। आपसे इस इडियम का मतलब पूछा है, अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे। तो अ रेड लेटर डे का मीनिंग क्या होता है, अ मेमोरेबल डे, यानी कि एक यादगार दिन या एक इंपोर्टेंट दिन। तो आप याद कर लें कि अ रेड लेटर डे इडियम का मतलब क्या होता है, अ मेमोरेबल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यानी कि आपको जो ब्लैंक दिया है उसमें एक अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फिल करनी है। क्या है ये सेंटेंस, देयर इज ए ब्रिज, फिर ब्लैंक दिया है द रिवर। तो आपको यहाँ पे एक प्रीपोजिशन फिल करनी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। ब्रिज किसके ऊपर होता है, जैसे ये रिवर बह रही है तो ब्रिज कहाँ पे होगा, इसके ऊपर। तो प्रीपोजिशन क्या आएगी यहाँ पे, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। तो आप याद रखें, अगर आपसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई रिवर है उसके ऊपर ब्रिज है, तो आप क्या है वहां पे फिल करेंगे, ओवर। ऐसे एक सड़क वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि राम वॉक्स ऑन द रोड, यानी कि राम रोड पर टहलता है, तो वहां पे ऑन दे दे और आपसे पूछे क्या ये सही है, तो ऑन अगर राम दे रहा है, यानी कि राम वॉक्स ऑन द रोड, यानी कि कोई जीवित प्राणी उस पर चल रहा है, तो वहां पे ऑन नहीं आएगा। क्योंकि आपने देखा होगा आप भी जब रोड पर चलते हैं तो रोड पर नहीं चलते, ऑन का मतलब होता है उसके मिडिल में चलना, तो आप उसके किनारे चलते हैं। तो वहां पे अगर कोई राम दे दे, सीता दे दे, कोई भी मतलब इंसान का नाम दे दे और कह दे मतलब सड़क पर चल रहा है, तो आप वहां पे अलोंग लगाएंगे, वहां पे ऑन नहीं लगाएंगे। जैसे राम बॉक्स ऑन द रोड, तो ये गलत है, राम बॉक्स अलोंग द रोड आएगा। और अगर इसी की जगह राम की जगह वो कार दे दे, जैसे कार रन्स ऑन द रोड, तो वो कार तो बीच में ही चलती है, रोड के किनारे तो नहीं चलती, जो फुटपाथ होता है उस पर तो नहीं चलती, वो तो रोड पे चलती है। अगर कार देगा तब आप ऑन लगाएंगे, अगर इंसान देगा तब आप अलोंग लगाएंगे। तो आप ये याद रखें, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आपने देखा होगा मॉडल पेपर में भी एक आर्टिकल का क्वेश्चन था, तो आपसे एक आर्टिकल वाला तो पूछा ही जाना है। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, ही इज और इसके बाद ब्लैंक है और MLA। अब ये ए और एन का कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से पहले ए आएगा और कौन से पहले एन आएगा। आपने बचपन से पढ़ा होगा AEIOU, यानी कि जो बॉल्स हैं उनसे पहले एन आता है, लेकिन ऐसा बहुत सारे केसेस में नहीं होता है। तो अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तब आपको क्या करना है, आपको साउंड पे गौर करना है, यानी कि उसकी ध्वनि पर गौर करना है। आप हिंदी के जो
स्वर हैं उनके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे तो आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। आप जैसे एमएलए लिखा है तो आप इसे एमएलए हिंदी में लिख लें और इसका पहला वर्ड देखें तो पहला क्या है ए और ये क्या है स्वर है, तो स्वर के साथ आप एन लगाएंगे तो ये बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। अगर ए ई आई ओ यू से अगर बचपन की तरह आप डिसाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन में आप देख लीजिए ही इज और ब्लैंक फिर एम एल ए, अगर आप यहाँ पे ए ई आई ओ के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो आप ए फिल कर देंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे हिंदी में लिख के देखेंगे और फिर ध्वनि पर गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे स्वर की ध्वनि है तो स्वर के अकॉर्डिंग आप वहां पे एन फिल करेंगे और जो कि सही है। तो इसमें क्या आएगा ही इज एन एम एल ए। तो अब आप आर्टिकल जब भी डिसाइड करें तो आप हिंदी के स्वर और व्यंजन के हिसाब से डिसाइड करें, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट फॉर्म, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या दिया है सेंटेंस, ही सेड टू मी फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। अब आपको इसको इनडायरेक्ट में बदलना है तो आप जानते हैं ये पास्ट में होता है तो सेड का क्या हो जाता है टोल्ड, तो ही टोल्ड मी क्या हो गया, इतने का क्या हो गया ही सेड टू मी का क्या हो गया ही टोल्ड मी। अब आप यहां पे देखेंगे आई को हम किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, आई को किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ही, आई क्या हो जाएगा ही हो गया ही। और सेल का क्या हो जाएगा, अगर यहां पे आई अगर आता ही की तो सुड हो जाता, अगर ही है तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा वुड, ही वुड कम टू मीट। और यू किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो मी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहां पे मी, तो ही वुड कम टू मीट मी। और टुमारो का क्या हो जाता है द नेक्स्ट डे, तो क्या हो गया द नेक्स्ट डे, और टुडे का दैट डे हो जाता है, यस्टरडे का द डे बिफोर हो जाता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई शैल कम टू मीट यू टुमारो, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम टू मीट मी द नेक्स्ट डे, तो ये हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन पैसिव वॉइस, अब ये एक आपसे एक्टिव पैसिव से पूछ लिया है तो आपको बताना है इसका पैसिव क्या होगा, सेंटेंस क्या है आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, तो आपका इसका पैसिव बताना है। तो क्या होता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है दिस वर्क, तो दिस वर्क क्या हो गया सब्जेक्ट, दिस वर्क हैज टू बी, अगर हैज टू हैव टू आता है तो उसके आगे क्या लगा देते हैं बी, तो यहाँ पे दिस वर्क क्या है सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या जाएगा हैज, दिस वर्क हैज टू बी फिनिश्ड बाई मी, आई का क्या हो जाएगा मी, तो इसका पैसिव क्या हो गया दिस वर्क हैज टू बी फिनिश्ड बाई मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर प्रोडिगल, आपको प्रोडिगल का सिनोनिम बताना है, सिनोनिम यानी कि समान अर्थ का शब्द लिखना है प्रोडिगल का, प्रोडिगल का मतलब क्या होता है यानी कि जो बहुत खर्चीला होता है जो बहुत खर्चा करता है उसे हम बोलते हैं प्रोडिगल, तो प्रोडिगल का सिनोनिम क्या हो जाएगा एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब भी होता है जो बहुत खर्च करता है यानी कि बहुत खर्चीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग फ्रेज, आपसे इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, क्या है वन हु ट्रेवल्स इन स्पेस इज कॉल्ड, यानी कि जो स्पेस में ट्रेवल करता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, यानी कि जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये था इंग्लिश का एक मॉडल पेपर, आपको ये मॉडल पेपर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या 10 क्यों रखी गई है, और सारे लोगों के माइंड में ये आता है कि क्वेश्चन की संख्या कम है, आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आर्टिकल प्रीपोजिशन और ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इतना पूछ लेगा तो ये सारे क्वेश्चन इसमें आ गए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या 10 रखी है। और ये मॉडल पेपर जो उसने पीएनपी ने जारी किया था उसमें भी यही सारी चीजें पूछी गई थी, इसीलिए यहाँ पे ये सारी चीजें आपसे पूछी गई है। तो आप बस इतना ही तैयार करते रहे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर लें, एंटोनिम सिनोनिम याद कर लें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख लें, एक्टिव पैसिव सीख लें, प्रीपोजिशन और आर्टिकल सीख लें, आपका इंग्लिश वाला पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है विच वर्ड इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर फेमस, आपको फेमस का एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड यहां पे कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो आप इसका एंटोनिम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंपोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेकर लगातार आता रहता हूं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आप इस मॉडल पेपर की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस मॉडल पेपर का लिंक दे दिया है, वहां से आप इस मॉडल पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब दबाओ लाइक, बताओ अपना आंसर कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को कर दो शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।